दोस्तों वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो, फिर से स्वागत है नए वीडियो में। और हमें एक लिफ्ट मिल चुका है, हम लोग मायोडिया पास से अभी नीचे जा रहे हैं। तो ये हमको रोइंग तक, मतलब ये लोग रोइंग तक जा रहे हैं, नंबर नंबर जा रही है देख। और इसी में हम लोग चल गए लिफ्ट लेके। देखो पूरा बैग है, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। ओ वाओ, व्यू देखो भाई, क्या खतरनाक डरावना सा लग रहा है यहाँ से। ट्रक ने यहाँ पीछे छोड़ दिया था, और तो मैं ट्रक वाले का आवाज़ दे रहा था, ट्रक वाला सुना ही नहीं। मतलब जो मेन रोड है ना, वहाँ से काफ़ी थोड़ा अंदर लेके आ गया हम लोग। मैं ट्रक वाले को बोल रहा था रोक दो, क्योंकि वो थोड़ा पीछे था ना, जहाँ मैं ड्राइवर बैठते वो काफ़ी दूर पड़ते, तो सुना नहीं इसने। थोड़ा अंदर तक हमको ले आके छोड़ दिया, अभी वापस जा रहे हैं हम लोग मेन हाईवे की ओर। तो दोस्तों हम लोग और यहाँ पे अभी हम लोगों का यहीं पे रोइंग में ही दियो पानी ब्रिज के साथ में ऐसे लोग पिकनिक मनाने का जगह है, तो पिकनिक स्पॉट टाइप है। तो यहाँ पे मतलब चिकन रोस्ट चल रहा है, और यहाँ पे वही कैन में हम लोग और चिकन पका रहे हैं, और बस यही खाएंगे। और इधर ही आसपास कहीं हम लोग आज टेंट लगाने वाले हैं रात को ही यहीं पे, बस यही है। और खाना हम साथ में लेके आए थे एक जगह से खरीद के, लाइक रोटी एंड सब्जी। आज रोटी सब्जी खाने वाले हैं, चिकन रोस्ट एंड फ्रेश चिकन के साथ। और बस वही है, आज हम यहाँ पे कैंप करेंगे, फिर कल सुबह जल्दी जल्दी ना अपने अपनी मतलब जगह को निकल जाएंगे। बॉयल कर रहे हैं, और एक दिन रहेगा। अगर हम लोग और एक दिन रहेंगे तो आप लोगों को और एक दिन का वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फटाफट से बनाते हैं आपको खाते हुए, और सो या स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों हम लोगों का आई मीन चिकन एक तो पक चुका है, खाने की मतलब खाने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना है। और बाकी जो रोस्ट के लिए लगाया था हम लोग पत्थर के ऊपर, वो तो भाई पत्थर ही गर्म नहीं हो रहा था, तो इसको हमने फिर से स्टिक में डाल दिया है रोस्टिंग के लिए यहाँ पे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम खाना खा लेते, पकेगा तो इसको वैसे ही खा लेंगे। और बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा एडवेंचरिंग हो रहा है, और ऐसा प्रिमिटिव काइंड ऑफ हो रहा है ना खाना पीना। तो दिखाता हूँ कैसे कहाँ पे रखा है, हमने बर्तन भी यूज़ नहीं किया अभी। तो ये देखो चिकन हमने कहाँ रखा है, ये प्लास्टिक के ऊपर, ये भी सब्जी भी, और ये रोटी। तो यही है, इसने तो स्टार्ट कर दिया, खाते हैं फटाफट से एंड मिलते हैं टेंट पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। देख पा रहे हैं पीछे का नज़ारा, एंड ऐसे नज़ारे में मतलब किस्मत वाले को ही देखने को मिलता है, वो भी सुबह सुबह उठ कर, है ना। लोग कल मायोडिया पास से आए थे, तो हमने कल यहाँ पे अपना कैंपिंग साइट लगाया था, टेंट लगाया था। तो हम लोग अभी यहीं पे रुके हुए हैं, और पीछे देखते हो व्यू देखो, और यहाँ का नज़ारा देखो कितना ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, और सी है ना बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से ब्रिज देखो, ये पूरा ब्रिज है। आज हम लोग को वापस जाने का है, बट किस साइड से जाएंगे अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है ना, तीन चुकिया जाए या जुनाई जाए वो हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में है। सो आप लोग बने रहिए वीडियो में, आपको पता लग जाएगा, है ना। सो स्टे ट्यून्ड। और हमने वहाँ थोड़ा दूर है ना खाना वाना बनाया था, और चिकन विकन रोस्ट किया था, फिर हम लोग इधर आके यहाँ पे हमने टेंट लगाया था, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे। सो इधर हमने टेंट लगाया था, और हमने खाने के लिए चिकन भी रखा था, लाइक प्लास्टिक में चिकन ऐसे लेके आया था, पता नहीं रात को कुछ जानवर आके उठा के लेके चला गया।
तो अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है, तो करते हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट एंड चलते हैं। आज का डेस्टिनेशन वैसे हम लोग आसाम की ओर ही जाना है, बट अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कौन सी साइड से जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुका है। बोहिल भाई को बोला था काफ़ी भूख लग रहा है। अभी हमने फास्ट फूड भी है, वैसे फास्ट फूड खाने का मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह, तो ये पूरी सब्ज़ी मंगवाया है। हमारा पूरी सब्ज़ी आ चुका है, खुशबू तो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, टेस्ट करके देखता हूँ। दाल से बनाया है, चना डाले है, ठीक ही है। संतरा लेता हूँ मैं इनसे, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, थोड़ा कम चाहिए। मीठा है, मीठा 100 रुपये का खा नहीं पाएंगे ना, 50 का कर दो, आधा कर दो, 50 का कर दो, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, 50 का, हाँ 50 का ही कर दो, ज़्यादा लेके घूम भी नहीं पाएंगे ना। तो गाइस ये भाई साहब ने खरीद लिया है संतरा, अरुणाचल आने के बाद संतरा खाया नहीं, खाया तो क्या ही खाया ना दीदी। संतरे का फेस्टिवल भी होता है ना अरुणाचल में, जूली बेसन है उधर, जूली चोला चोला ट्रेडिशनल वाला, ट्रेडिशनल जो कपड़ा से बनाता है। अभी हमने हिचहाइकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आज का पहला लेफ्ट ज़्यादा दूर के लिए नहीं, मैं छोटे डिस्टेंस का ही है। ओके थैंक यू भैया। अभी यहाँ से आए थे हम लोग रोइंग की ओर से, ये जा रहे हैं तेजू एंड देन हमें उधर उधर जाना है, सीधा जाएगा तो हम लोग पहुँचेंगे तोला सोडिया, ये है तेजू, और वहाँ से जब राइट जाएंगे ना तो वो पहुँचेंगे आस्तिक घाट। देखा नहीं, लिफ्ट मांगा था मैंने इनसे। तो ये राइट वाला रोड है जहाँ से हम लोग उस दिन आए थे पासीघाट से होते हुए, तो अभी पासीघाट जाना भी होगा अरुणाचल से होते हुए, तो यहाँ से जा सकते हैं। तो अभी हमको थोड़े आगे तक के लिए लिफ्ट मिल गया, अंकल जी उन्होंने लिफ्ट दिया है। हेलो अंकल जी, कैमरा मैन हाई बोल दीजिए। तो अंकल जी अभी थोड़ा आगे तक जा रहे हैं, वहाँ तक हमारे साथ में बाकी। अभी यहाँ तक हम लोग लिफ्ट लेके फिर से पहुँच चुके हैं, अभी नेक्स्ट लिफ्ट लेना है, तो थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं वहाँ तक, फिर इसके बाद है ना लेते लिफ्ट फिर से, थोड़ा छाया में रुकते हैं। तो हमें फाइनली लिफ्ट मिल चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रक में, और अंकल जी को लिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग जा रहे हैं सोडिया तक के लिए, अंकल जी दो लोग जा रहे हैं पूरा 3 सुखिया, अगर हमें आज 3 सुखिया जाना होता तो हम आज ही जा सकते हैं उनके साथ में, बट नेक्स्ट टाइम के लिए। एनसीसी के बच्चे हैं, 26 जनवरी के लिए आई थिंक यहाँ पे पैरेड रिहर्सल चल रहा है। थोड़ा सोजिया ब्रिज फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे नदी तो नहीं है लेकिन नदी आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेजर जो रिवर है एक्चुअली रोहित रिवर है, और साथ में ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के साथ कनेक्ट करता है, तो मेजोरिटी है लोहित रिवर ज़्यादा है, तो आपको आगे दिखेगा वो, और ब्रिज यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और ब्रिज है 9.15 किलोमीटर है लेंथ में, और करेंटली इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है ये, 182 पिलर है, 182 पिलर है। अभी ये अभी आपके बिहार में बन रहा है, इससे भी ज़्यादा लंबी होने वाले हैं बिहार में, अभी इसी साल निकल जाएगा वो जुलाई तक में, वो भी 9.76 किलोमीटर का बनेगा, देखने वाली बात बनेगी। बाकी ये अपना आसाम और जो अरुणाचल है उसको कनेक्ट करता है, बहुत मतलब लोगों के लिए अच्छा हो गया, कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होता था। हाँ
ओके अंकल जी, हेलो बाय। तो फाइनली यहाँ तक हम लोग सोदिया तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम लोग उतर गए और आज हम यहाँ पे देखते हैं कैंपिंग सैम्पिंग करेंगे इधर। हाँ नीचे इधर से चल सकता है या उधर से भी रास्ता है नीचे जाने का। मोहन भाई को बड़ा ही नींद आ रहा है, देखो सो गया है, चाय पीने के बाद, चाय अंडा खाने के बाद सो गया है। और मैं ले रहा हूँ समोसा और अभी देखते हैं इसके बाद रिवर साइड में चलेंगे, थोड़ा देर में खा पी लेते पहले ना, फिर देखते हैं वहाँ पे कैंपिंग लोकेशन कैसा रहता है। अभी पेट्रोलिंग टाइप ने ऐसे ले ले अब नाका से पीछे है चेक पोस्ट, चेक पोस्ट थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। आज का मतलब हम लोगों का बहुत ही यूनिक लिफ्ट, वो भी बहुत ज़्यादा दूर के लिए नहीं था, थोड़े दूर के लिए ही था। पुलिस वालों के साथ हम लोग अभी पुलिस वालों के गाड़ी में लिफ्ट मिला था हमको, तो जहां हम लोग रुका हुआ था, जहां आप चाय पी रहे थे वहां पे कुछ पुलिस वाले भी आए थे चाय पीने के लिए, तो उनके गाड़ी में ही लिफ्ट लेके आ गया था। तो अभी थाने के सामने उतारा और यहाँ से अभी शायद 1.5 किलोमीटर बचा है और हम लोग ये सोदिया ब्रिज के नीचे आई मीन पिकनिक स्पॉट प्लेसेस वगैरह इधर आ गए हैं। तो वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है उस साइड में और काफ़ी लोग आ रहे हैं, देख के चले जा रहे, हम तो आज यहाँ पे रुकने वाले हैं, तो वही है देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पे, कैंपिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वैसे कैंपिंग करने वाला जगह तो बन ही रहा है मस्त वाला, बहुत तेज़ तेज़ म्यूज़िक लाउड बज रहा है। पिछली बार जब मैं आया था तो वैसे ब्रिज के ऊपर ऊपर से गया था और मैं ब्रिज के ऊपर काफ़ी देर रुका था, मैंने नीचे देखा भी था लोग यू नो बैठे हुए इस टाइप के। अभी इस टाइम वो पल आ गया, ओह वहाँ से ब्रिज देखो, ये बीच में छोटा सा आइलैंड की तरह दिखता है जब पानी ज़्यादा होता है ना। लास्ट टाइम जब आया था तो ये बिल्कुल वहाँ से ऊपर से मैंने देखा था तो आइलैंड की तरह लग रहा था पूरा, अभी तो पानी सूखा हुआ है पूरा। तो ब्रिज नीचे से कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो भाई साहब, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये नदी, आई मीन व्यू खूबसूरत बहुत अच्छा लग रहा है। चलो नहा और हम लोग थोड़ी देर में नहाने भी वाले, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मछलियाँ हैं देखो, और हम लोग इधर शायद इधर नहाएंगे नीचे, थोड़ा इधर पानी ठीक है, आई मीन ज़्यादा गहरा भी नहीं होगा, वैसे गहरा होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे नहाने वाले हैं, अभी बहुत गर्मी भी लग रहा था और काफ़ी देर से मतलब चल के भी आ रहा ना, पूरा पसीना पसीना हो गया। बोहिल वहाँ से कूदेगा, मैं इधर से कूद के वहाँ पे जाने वाला हूँ, तो पानी देखते हैं कितना ठंडा है गर्म है पता नहीं, अभी तो ठंडा ही लग रहा है यार क्योंकि विंटर्स का टाइम है ना। अयो वाओ वो ठंडा है, एक और कूदने वाला, एक और बार कूदने वाला हूँ मैं। तो नहा के कैसा लगा? वेरी गुड, वेरी गुड। और ये हम लोग को देखने वाले ऑडियंस, हेलो हमको नहाते हुए देखने आ गए भाई, फैन फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग। एक और बार कूदूंगा फिर इसका शैम्पू वैम्पू लगाता हूँ। मजा आ गया, आगे मजा आ गया। हम लोग का है ना सोडिया के, सोडिया का वही रिवर में नहाने का एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा सब नहीं कैसे बताना है। अरे जोर से लगा तो
he's going to die. ये गिर गया सर। तो ये भैया लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं देखो, और इन भैया लोग से हमने पूछा अभी मछली मतलब बेचेगा तो हम लेने वाले हैं, तो देखते हैं। अभी तो पकड़ रहे हैं इन लोग, और हमने नहा लिया तो अलग ही लेवल का, अलग ही एडवेंचर, अलग ही मज़ा ही आ गया ना। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज की जो रिवर है उसमें नहाने का अलग ही मज़ा है। तो ये देखो ब्रिज क्या खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ से। चलो आ जाओ। तो एक भैया जी हम लोगों को जब नहाते हुए देख रहे थे तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने हमको अभी खाने में इनवाइट किया है। सो वही जा रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी लोग पार्टी शार्टी मना रहे हैं यहाँ पे, इधर भी पिकनिक इधर भी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी सामने लोग पार्टी शार्टी मनाने के लिए आए, तो हमको खाने वाने के लिए इन्वाइट किया है, तो डांस कर रहा है दिखाता हूँ। हो पूरा बिहू डांस कर रहा है, बिहू सगेली। तो कहने को लगी यहाँ दही वहाँ लगे ना, बहुत दुनिया ना है तो अलग से। तो ये अपना अपना जैसे है ना, और जो असम में ट्रेडिशनल डांस होता है वैसा बिहू जो डांस होता है ना, इस टाइप के डांस हो रहा है। तो एज यू गाइस कैन सी अभी माघ बिहू चल रहा है ना, तो लोग बहुत पार्टी करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो है ना इतने खूबसूरत, मतलब जहाँ पे लोकेशन है यहाँ पे ऐसे पार्टी करके एंजॉय करने का मजा ही कुछ और है ना। और ये भैया जी हमको इनर करके लेके आए थे, तो थैंक यू। हम लोग हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है, बड़ी। हम लोग का डांस कैसा लगा? अच्छा 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 है। इनवाइट किया एक तरह से खाने के लिए, तो भैया जी बुला के ले गए थे आप लोगों को, थैंक यू। और सब लोग खाने वाले हैं। ये भाई तो पोर्क नहीं खाता है ना, योर बैड लक। पोर्क आ चुका है, राइस आ चुका है, और ये अंडे पूरा एंजॉय कर रहे थे। पूरे माघ बिहू होता है ना अपने यहाँ पे आसाम में, तो सब लोग एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आंटी जी हिंदी बोल रहे ना, सब लोग वहाँ पार्टी हंस रहे हैं उनको सुन के। गाली थोड़ा कम खाता है, नहीं अच्छा है। ओके बाय 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 बाय। पूरे गांव से सब लोग है ना अपने महिला ग्रुप आ गए थे पिकनिक मनाने के लिए। तो है ना खाना वाना खा लिया है, एंजॉय कर लिया है, बिहू डांस कर लिया है, और काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ से आपको व्यू तो क्या बोलूँ, अमेजिंग व्यू है। देखो अभी लोग जाने वाले वैसे तो। तो अपना यहाँ पे बोहिल भाई रात के लिए मछली जो हमने ख़रीदा था उसको साफ कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना फिश अभी यहाँ पे जला रहे हैं हम लोग, और देखो यहाँ पे ऑलरेडी सनसेट हो चुके हैं, और ब्रिज तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हमने अभी तक फ़ोटो नहीं खिंचवाया, हमें फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत है नहीं। तो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एंटरटेन हो गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा है ना।
तो अभी हम लोग का यहाँ पे फिश भी बन रहा है जो कि हमने खरीदा था, आधा किलो फिश खरीदा था आपने हम। तो आज का मतलब दिन यही था बस, हम लोग यहाँ पे इसको अभी जला के खाने वाले हैं और रात को शायद कुछ खाना नहीं खाएंगे बिकॉज अभी अभी जस्ट हमने यू नो खाया शाम के टाइम। तो यहाँ पे देखो शाम के टाइम नज़ारा कुछ इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। और देखो इधर अभी भी कुछ कुछ लोग हैं पिकनिक मनाने वाले, पूरे ये जो ग्राउंड है यहाँ पे लोग काफ़ी लोग पिकनिक मनाने आते हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो यू नो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।